हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने करना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? ये होमोजीनियस मिक्सचर है। देखो, होमोजीनियस मिक्सचर मतलब कि दो चीज़ों को आपस में मिक्स कर दिया जाए, अगर वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो उसे बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे शुगर को मैंने वाटर में डाला, अगर शुगर को वाटर में डालते हैं तो ये प्रॉपरली मिक्स हो जाती है। तो अगर तो वो प्रॉपरली मिक्स हो जाए तो तभी हम उसको सॉल्यूशन बोलेंगे, और जो सोल्यूशन बनेगा उसे बोलेंगे शुगर सोल्यूशन। जब हम ऑयल को वाटर में डालते हैं तो ऑयल पानी के ऊपर ही फ्लोट करता है और ये पानी के अंदर मिक्सअप नहीं होता, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम सोल्यूशन नहीं बोल सकते और ना ही कभी हम उसको सोल्यूशन बोलेंगे, हम सिर्फ उसको मिक्सचर ही बोलेंगे। सोल्यूशन वही होता है जब आपस में दो चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और जो सल्यूट क्या होता है, सल्यूट देखो, जो कम अमाउंट में सल्यूशन में प्रेजेंट हो, सल्यूशन में लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, उसे बोलते हैं हम सल्यूट। जैसे शुगर हमने डाली थी, शुगर बहुत कम, मान लो कि 1 लीटर में 1 चम्मच हमने शुगर डाल दी, तो शुगर की अमाउंट है जो वो कम है, तो जिसकी अमाउंट कम होगी तो उसे हम सल्यूट बोलेंगे, और जिसकी अमाउंट ज़्यादा होगी उसे सॉल्वेंट बोलेंगे। और सोल्यूशन किसका बनेगा? जिसकी अमाउंट कम है, जिसकी अमाउंट कम है, तो सोल्यूट की अमाउंट कम है, इसलिए ये क्या बन गया? शुगर सोल्यूशन। इसी तरीके से हम नमक भी डालते हैं वाटर में, तो ये हमारे पास सॉल्ट सोल्यूशन बन जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।